नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। पूर्वांचल मीडिया क्लब के मीडिया फोरम ऑफ इंडिया न्यास के तत्वाधान में तहसील घोरावल में उपजल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बलिया के पत्रकारों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की गई है। विवेक कुमार पांडे ने कहा कि आपसे ये भी अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में परीक्षा प्रश्न पत्र मामले में जिन 3 पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उन्हें निरस्त कराने और उन्हें जेल से मुक्त कराने की अविलंब कार्रवाई की जाए। राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के नाम विवेक कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष पूर्वांचल मीडिया क्लब। हम लोग मुख्यालय चलकर के आए हुए हैं तहसील घोरावल में। SDM साहब को ज्ञापन दिया गया राज्यपाल के नाम कि जो 3 पत्रकारों को जेल भेजा गया है बलिया जिला में, जो जिलाधिकारी की तानाशाही की वजह से उन लोगों को जेल जाना पड़ा, अभी तक उन लोगों की रिहाई नहीं की गई है। जल्द से जल्द उन लोगों की रिहाई की जाए और फर्जी मुकदमे वापस किए जाए, नहीं तो इसके लिए। जनपद मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 25,000 रुपए का इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे ये। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना पर जेल चौराहे के पास मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मैनपुरी के करहल थाने क्षेत्र में भी लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं ये। बदमाश अवरैया दिव्यापुर का रहने वाला है, जो 25,000 रुपए का रिवार्डेड क्रिमिनल था, जो कि तनार थाने में 1 साल पहले इसने पेट्रोल पंप पर लूट किया था जी। इसके अतिरिक्त ये करहल और कोतवाली से भी वांटेड चल रहा था लूट के मामले में। इसने कन्नौज, साथ में औरैया और फतेहगढ़ में भी इसने लूट की वारदातें की थी। कई जनपदों से वांटेड चल रहा था, हमारी सर्विलांस और स्वाट की टीमें इसका पीछा कर रही थी पिछले कई दिनों से। आज एक पेट्रोल पंप पर लूट के लिए आया तो हुआ था, 2 व्यक्ति थे और उसमें से एक को इसको गोली लगी है, अरविंद को। इसको एक पिस्टल के साथ लूट की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस पार्टी पे इसने फायर किया है। हमारा एक पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट था, उस पर भी गोली लगी हुई है, जिसका ट्रीटमेंट जैसा आप देख रहे हैं अस्पताल में चल रहा है। और फिर आगे जो इससे पूछताछ। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरक्षनाथ मंदिर में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए अधिकारियों ने कमर कस ली है और पूरे मंदिर परिसर को सुरक्षा के घेरों में बांट दिया गया है। मंदिर के सभी 10 गेटों पर बंकर के साथ चेक पोस्ट भी बना दिया गया है और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। तो हाईटेक कर दी गई है गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। हर गेट पर बुलेट प्रूफ चेक पोस्ट बनाया गया है, पुलिस की तैनाती की गई है और साथ ही साथ सिपाहियों को सुरक्षा के लिए कई चीजें दी गई हैं, कई मुहैया कराई गई चीजें, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई गई है और अपनी सुरक्षा के लिए कई चीजें भी मुहैया कराई गई है। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और बढ़ा दिया गया है। CM ने हाई लेवल मीटिंग की थी और इसमें कई अधिकारी शामिल हुए थे और अधिकारियों ने अब गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया है। मंदिर के सभी 10 गेटों पर बंकर के साथ चेक पोस्ट बना दिया गया है जी। इसमें कल बड़ी लंबी एक मीटिंग हुई मंदिर परिसर में पुलिस अधिकारियों की, जिसमें हमारे ADG जोन महोदय, DIG साहब, मैं स्वयं, LIU की टीम और अन्य हमारी शाखाओं के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे, जिसमें कि मंदिर की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया गया और इसे किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा की गई। इस दौरान वहां पर उपलब्ध जनशक्ति, संसाधन, उपकरण और क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, वहां पर कौन लोग अधिकारी तैनात हैं, किस प्रकार की वहां ड्यूटी होनी चाहिए, इस संबंध में चर्चा की गई थी और इसमें एक प्लान तैयार किया गया है जो कि उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी अनुमोदन के पश्चात उसमें आगे कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल हमारे स्तर पर वहाँ पर कुछ हमने BP जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, कुछ संसाधन, कुछ हथियार एक्स्ट्रा उपलब्ध करवाए हैं। जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और साथ ही लगातार इसमें सतर्कता बनाई जाएगी और आकस्मिक चेकिंग भी की जाएगी, ताकि वहाँ पर जो मौजूद पुलिसकर्मी हैं वो अलर्ट रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। इस सभी कार्यवाही में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो भी श्रद्धालु वहां आते हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, बल्कि वहां पर श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधा है उसमें इजाफा हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए।
खबर महाराजगंज से है, जहां नौतनवा थाना क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के एक गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर दो संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए एक संदिग्ध के कब्जे से खुफिया एजेंसी रॉ के फर्जी आई कार्ड और मानचित्र सहित कई अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले को देखते हुए भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क है और पकड़े गए दोनों संदिग्धों से पुलिस एसएसबी सहित कई खुफिया एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसपी प्रदीप गुप्ता ने मामले की जानकारी दी। तो एजेंसियों ने दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई दस्तावेज मिले हैं। संदिग्ध दस्तावेज हैं जिसमें कई फर्जी आईडी और बाकी के दस्तावेज भी शामिल हैं। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद से ही अब हर जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। जहां अयोध्या में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो वहीं निवेशकों के करोड़ों रुपए गबन करने वाली अनी बुलियन कंपनी के मालिक अजीत गुप्ता का 3 घर कुर्क कर दिया गया है। लगभग 8 करोड़ रुपए का घर कुर्क हुआ है। बता दें कि कुल 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क होनी है। वहीं आज भी कुर्की की कार्रवाई जारी रहेगी। थाना कुमारगंज के कुमारगंज कस्बे का ये मामला है। वहीं अब खबर बदायूं से है, जहां थाना सिविल लाइन पुलिस ने शातिर अपराधी के कुल 9 लाख की चल संपत्ति कुर्क की है। अभियुक्त साजिद पुत्र साबिर कुरैशी निवासी ग्राम खेड़ा बुजुर्ग थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं का शातिर अपराधी है, जिसका जनता के बीच इतना भय और आतंक व्याप्त है कि कोई भी नागरिक इसके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कराने या फिर गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। बता दें कि अपराधी के पास से गौवंशीय प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। एक दुर्दांत अपराधी साजिद कुरैशी सनफ साबिर कुरैशी निवासी खेड़ा नवादा थाना क्षेत्र सिविल लाइन्स की जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुल 9 लाख की संपत्ति जब्तीकरण किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी नगर व तहसीलदार सदर खुद मौजूद रहे। इसमें जो संपत्ति इनके जब्त की गई है, उसमें चल संपत्ति में होंडा सिटी कार, मोटरसाइकिल व एक्टिवा स्कूटी है। ये साजिद कुरैशी एक दुर्दांत किस्म का अपराधी है, जिस पर काउस लॉटर एक्ट व हत्या जैसे कई। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाने के मदनपुर गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी मां को जमकर पीटा। वहीं बीच बचाव कर रहे भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि महिला के 3 बेटों में जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं महिला तीनों के बीच बराबर का बंटवारा करना चाहती थी, लेकिन कलयुगी बेटे को ये बात चुभ गई और माँ के साथ अभद्रता करने लगा, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है युवक मां के साथ। इस महिला के 3 बेटे हैं, जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और लगातार ये विवाद बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद महिला अपने तीनों बेटों को बराबर से जमीन का बंटवारा करने चाहती थी, लेकिन एक बेटे को ये बात बुरी लग गई, जिसके बाद इस कलयुगी बेटे ने अपनी मां को बुरी तरह से पीटा। तस्वीरों में देख सकते हैं आप बेटा अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार करता नजर आ रहा है, बुरी तरह से पीट रहा है, जमीन को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। तो वहीं बीच बचाव में आए दूसरे बेटे को भी गंभीर रूप से मारा गया है, घायल कर दिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया है इलाज के लिए। हम कहाँ छोट छोट भाई थे। कौन मारा था? गोपाल। गोपाल कौन? हाँ गोपाल मारे ना, संजय रहे छुड़ावे ना। किस चीज को लेकर के मारपीट हुई भैया? हम गोपाल हम झूठ नहीं बोला, हाथे से मारी और हमारी है कटाई ढही के कश्य, तो हम ऐसे हाथ नहीं लिए। मारपीट क्यों हुई, किन बात को लेकर के मारपीट हुई?
अभी यही खर्ची भा है भैया। क्यों मारे हैं आपको, क्यों मारे हैं? गोपाल क्यों मारे आप? यह जमीन खर्च। तीन सगे भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें आपस में मारपीट की गई, धारदार हथियार से मारपीट की गई है, जिससे उसको चोट आई है इनके भाई को। संबंधित प्रकरण में संगत। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए बस्ती से संवाददाता रजनीश पांडे जुड़ चुके हैं। रजनीश, कलयुगी बेटे का जो ये वीडियो सामने आया है, जमीन विवाद को लेके मां के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें, जैसे जो मुनक्का देवी जो उसकी मां है, उनके दो बेटे हैं, और जो है दोनों बच्चों को लेकर जो चूंकि अलग अलग रह रहे हैं, बंटवारे के रूप में अपना अलग अलग खान पीन सब उनकी चल रही है, लेकिन जो है जमीनी विवाद को लेकर जो है जो माँ के हिस्से की जमीन है, वह दूसरा बेटा जो है जबरदस्ती वह हथियाना चाह रहा था। दूसरा बेटा उसका रोक चेक किया, उसको भी मारा पीटा, तो बाद में जो है अपनी माँ को वो बहुत प्रताड़ित करने लगा। उस माँ के नाम जो जमीन है वो इसलिए कि वो हमारे नाम कर दे, हमको दे दे, तो उसी को लेकर लगातार ये विवाद जो है कर रहा है, अपनी माँ को लगातार ये मारपीट रहा है। जी जी, अपने भाई को भी इसने गंभीर रूप से घायल कर दिया, अब उसकी हालत कैसी है? जी, अभी तो बहरहाल उसकी हालत जिला अस्पताल में एडमिट है और इलाज चल रहा है, ठीक ठाक है, लेकिन जो उसने धारदार हथियार से हमला किया, उसके उठ कर गए, कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा ही गंभीर विषय, जमीन को लेकर एक सगे भाइयों में और सगी माँ के बीच इस तरीके से बेटे के द्वारा दुर्व्यवहार माँ और बेटे के साथ किया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और पुलिस इस पर जो है ठोस कार्रवाई कर रही है उसके प्रति। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रजनीश पांडे जुड़े थे। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बाइक सवार बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जबकि बदमाश का साथी फायरिंग का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस के अनुसार बदमाश इलाके में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे। संदिग्ध दो व्यक्ति बाइक सवार होकर आ रहा था, इशारा किया उनको रुकने के लिए, वो रुका नहीं, इनफैक्ट उन्होंने फायर किया हमारे टीम के ऊपर, और फायर करने के बाद इंदिरापुरम के जाने वाला रास्ते से हिंदन पुल से उन्होंने भाग लिया। उनको पुलिस टीम उनके पीछे पीछे लगा हुआ था, इधर आकर उन्होंने एक वो जल्दी से फट से एक यू टर्न लेने के लिए कोशिश किया, जब उनका बाइक इधर मिट्टी में स्लिप होकर इधर गिर गया। गिरने के बाद आफ्ताब सन ऑफ इसाई जो तमंचा चलाए एक राउंड और फायर किया पुलिस के ऊपर, जवाबी फायरिंग में अपना जीवन बचाने के लिए पुलिस भी फायरिंग किया, और जिसमें आफ्ताब को गोली लगाया है। उसके बाद एक और आदमी था, वो जब उसी मौके पे उसी दौरान उन्होंने इंदिरापुरम के साइड में भाग लिया है, उनका आइडेंटिटी हमको अभी तक पता नहीं है, उसका तलाशी दिया जा रहा है। SHO इंदिरापुरम और साहिबाबाद का बाकी फोर्स उसमें पूरा तलाशी में लगा हुआ है, वो जिसको चोट लग गया हम उनको हॉस्पिटल में भर्ती। इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को हुए रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार जीत हुई है। 22 साल के आयुष बदोनी ने अपनी टीम को छक्का मारकर मैच जिता दिया। इस शानदार मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से मात दी है। आपको बता दें कि दिल्ली ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रनों का स्कोर बनाया था। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए, जबकि इसके जवाब में लखनऊ की ओर से क्विंटन डी कॉक ने 80 रनों की दमदार पारी खेली। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।